मैं सिद्धांत कुमार आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो अपना सेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे अपन। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स को मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। इसके बाद में एक रूल और आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिक्स होकर के। मान लो एक सेंटेंस अगर आपके पास में आया, जैसे पहला सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि अगर सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ चलते हैं, सेंटेंस में दो एक्शन अगर एक साथ चलते हैं जिसमें पहला जो एक्शन है वो रूटीन का होता है, रूटीन का एक्शन है, या फिर मान लो पहला एक्शन क्या है अपना टेम्पररी एक्शन का है, या फिर दूसरा क्या है टेम्पररी एक्शन का है इसके साथ में रूटीन एक्शन का, अगर दो सेंटेंस एक साथ चलते हैं, यानी कि पहला सेंटेंस अगर रूटीन एक्शन का है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम होगा, अगर वो टेम्पररी एक्शन का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेम होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी देखिए ये अपने पास में सेंटेंस था, इस सेंटेंस में अपनी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम सेंटेंस को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो काम आएंगे वो दो चीजें याद रखने वाली बात है। टाइम एडवर्ब्स अपने को सबसे पहले देखनी है। टाइम एडवर्ब्स आपको एक तो ये दिख रहा है जनरली, दूसरा दिख रहा है आपको टूडे। तो जनरली के अकॉर्डिंग आपके माइंड में एक चीज आ गई फटाफट से देखते सेंटेंस को कि जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के टाइम एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के टाइम एडवर्ब है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। दूसरा अपने पास में टुडे है तो इस सेंटेंस को कोमा के बाद का जो सेंटेंस का पार्ट है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या कहता है आपसे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, तो ही के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस एस लग जाएगा। तो वियर के साथ में अपन क्या लगाते हैं, ओनली एस। जनरली ही वियर्स ए ग्रीन शर्ट, सामान्यतः वह हरी शर्ट पहनता है, लेकिन आज, आज मतलब टेम्पररी एक्शन, ठीक है। टेम्पररी क्यों है, क्योंकि आज का जो दिन है मात्र 24 घंटों के बाद में टुमारो का दिन बन जाएगा, इसीलिए हम इसे टेम्पररी एक्शन कहेंगे। अब टेम्पररी है तो इधर भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो क्या करेंगे अपन, ही के साथ में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो होता तो नोट लगा लेते अपन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो ही के साथ में हम इज लगाएंगे और वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। तो ही इज वियरिंग, ठीक है, ए व्हाइट वन, आज वह सफेद वाली पहन के खड़ा है, ठीक है। तो ये अपनी अप्रोच क्या होगी, जब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रूटीन एक्शन का, सेकंड वन होता है अपना कौन सा एक्शन, टेम्पररी एक्शन, तो दोनों को कंबाइन करके अपन एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब दो मेन वर्ब यूज की जा सकती है, ठीक है। अगला देखिए, अभी अपन देखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको उतार लेना। अब अपन एक रूल देखेंगे, कौन सा, जिसमें हमें क्या करना है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये जो रूल है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में क्या कहता है कि जब सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड्स जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं वो वर्ड्स कौन कौन से, जस्ट मान लो आ जाए सेंटेंस में रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, येट, इनमें से अगर कोई सा भी एक वर्ड आपके पास में आता है टाइम एडवर्ब्स का, कौन कौन से, या तो जस्ट हो, या रिसेंटली हो, लेटली हो, ऑलरेडी हो, टिल नाउ, सो फार या येट, तो हमें क्या करना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज के साथ में हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हैज के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव के साथ में भी थर्ड फॉर्म। हैव जो है अपना क्या है, प्लूरल है, और ये अपना क्या है, सिंगुलर है। एग्जाम्पल देखिए, अभी क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से, आई, फिर ब्लैंक स्पेस है, टाइम एडवर्ब है, फिर ब्लैंक स्पेस है, वर्ब है, टू माय बेड, मैं अभी अभी
अपने बेड में गया हूँ। जस्ट क्या कहता है, अभी अभी। जब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अभी अभी अपने बेड में जा चुका हूँ, तो पहले ही समझो कि अप्रोच क्या होगी अपने। सबसे पहले जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस अपने पास में आता है जिसमें टाइम एडवर्ब जस्ट है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि काम खत्म हो चुका है। जो भी एक्शन की बात की जाएगी सेंटेंस में, वो एक्शन समाप्त हो चुका है, यानी कि उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में खत्म हो गया। अब उसने क्या कहा कि मैं अपने बेड में जा चुका हूँ, जा चुका है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि गो की थर्ड फॉर्म अपन को यूज करनी है। टाइम एडवर्ब अपन ने अभी देख ली, सब्जेक्ट अपना आई है, तो आई को हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई के साथ में हैव मैंने लगाया, आई हैव जस्ट गोन टू माय बेड, मैं अभी अभी अपने बेड में गया हूं या जा चुका हूं, ठीक है। क्लियर? ओके बेटा, तो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस देखिए आप। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रोच देखनी है कि सेंटेंस को अपने को शुरुआत कहां से करनी है, इसकी सही की या गलत की। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में एम आगे, ठीक है। वर्ब की एनजी फॉर्म आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेम आ गया फॉर टू इयर्स। अब देखिए यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई होगी, ठीक है। अब इसको भी छोड़ो, आपको यहां तक ही चलना है। अब नो के साथ में एम तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके तो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनेगी नहीं। अब नहीं बनेगी तो अब हमारे पास में दो चीजें होती हैं। जब कभी कोई भी वर्ब ऐसी आ जाए जिसकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो उसको हम उससे पिछले वाले टेंस में बनाते हैं। पिछले वाले टेंस में बनाएंगे। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का लग रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लग रहा है, इसको हमें चेक करना है। थोड़ा और आगे चलेंगे, यहां पर जाने के बाद में, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद में फॉर टू इयर्स है। अब इसका मतलब यहां पे जो सेंटेंस का पार्ट सही है, फोर आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, सिंस या फोर का यूज हो जाता है तो, ठीक है। अब यहां वाला पार्ट जो मैंने देखा ये सही है, ये वाला पार्ट सही है, तो इसका मतलब यहां पे गलती हो रही है। अगर यहां पे सही हो जाता है आई हैव बीन नोइंग, तो भी ये सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब भी इसकी आईएनजी फॉर्म आ रही है और हमें इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, तो इसका मतलब मैं इसको भी हटाऊंगा और इसकी क्या करूंगा, मैं थर्ड फॉर्म बनाऊंगा। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई हैव नोन हिम फॉर टू इयर्स। वापस से देखिए, आई हैव नोन हिम फॉर टू इयर्स। वापस से अप्रोच देखो क्या बोला मैंने, जब कभी भी कोई सेंटेंस ऐसा आए जिसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनी हुई है, किसी वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनी हुई है, लेकिन उस वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म अगर नहीं बन सकती है, तो हम क्या करेंगे, उससे पिछले वाले टेंस में बना लेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस है तो इंडेफिनेट में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट में चला जाएगा। अब देखना क्या है अपने को, ये सेंटेंस था आई एम नोइंग, सेंटेंस गलत था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये था टाइम दे रखा था और उसके साथ में सेंस या फोर, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर होना चाहिए तो यहां पे भी तो गलती है। अब मैं इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा तो आई के साथ में हैव बीन नोइंग आना चाहिए था, लेकिन वो भी तो गलत था। सॉरी। इसके बाद में हमने इसे चेंज किया परफेक्ट का, परफेक्ट में लेकर गए, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो मेरे पास कमेंट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी मैं, ठीक है। ओके बाय।